वैज्ञानिक चांद की सतह पर लघु ग्रीन हाउस लगाने की योजना बना रहे हैं। क्या चांद पर पौधों का उगना संभव है? किसी भी अंतरिक्ष यात्री या अस्थिर खोजकर्ता ने कभी भी चंद्रमा पर जीवन के प्रमाण नहीं पाए हैं। अपने चरम तापमान के साथ चंद्रमा का वातावरण पौधे या पशु जीवन के लिए बहुत प्रतिकूल है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन पैरागॉन स्पेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नामक एक कंपनी ने हाल ही में घोषणा की कि उसने चांद पर पौधों को उगाने का एक तरीका खोजा है। पैरागॉन के वैज्ञानिकों ने एक छोटा चंद्र ग्रीन हाउस बनाया है। उन्हें उम्मीद है कि वे चंद्रमा पर कठोर परिस्थितियों से पौधों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। लूनर ओएसिस नामक संरचना एक पौधे को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने की अनुमति देने के लिए डिजाइन की गई है। अलसी के फ्रेम के साथ एक जर्जर संरचना लूनर ओएसिस में पॉटेड बीजों को रखा जाएगा। 1.5 फुट लंबे लघु ग्रीन हाउस को तब पौधे की सुरक्षा के लिए सील किया जाएगा ताकि यह सीमित प्रकाश, पानी की कमी और चंद्रमा पर तापमान में बदलाव के साथ विकसित हो सके। चंद्रमा के बागवानों ने लूनर ओएसिस में ब्रासिका नामक हार्दिक पौधा उम्मीद है विकसित किया है। ब्रासिका ब्रसेल्स स्प्राउट्स और गोभी से संबंधित है। ब्रासिका का उपयोग खाना पकाने के तेल और पशुधन फीड के उत्पादन के लिए किया जाता है। ब्रासिका भी जल्दी उगने वाला पौधा है। इसका जीवन चक्र बीज से फूल बनने तक बढ़ने की प्रक्रिया में सिर्फ 14 दिन लगते हैं। वैज्ञानिक उम्मीद करेंगे कि त्वरित परिणाम दिखाई देंगे। वैज्ञानिकों ने अभी तक अपने चंद्र ग्रीन हाउस प्रयोग के सभी विवरणों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अगर वे सफल होते हैं तो यह पता लगाने में प्रयोग एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है कि लोगों को चंद्रमा पर रहने के लिए क्या लगेगा। पैरागॉन ओडिसी मून लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो चांद की सतह पर लूनर ओएसिस पाने के लिए गूगल लूनर एक्स प्राइज में भागीदार है। गूगल लूनर एक्स पुरस्कार 2007 में शुरू हुई प्रतियोगिता है। यह देखने की दौड़ है कि कौन सी निजी टीम पहली बार सफलतापूर्वक लॉन्च होगी और चंद्रमा पर एक रोबोट रोवर को उतारेगी। विजेता $20 मिलियन के भारी पुरस्कार का दावा करेंगे। लेकिन पैरागॉन के अध्यक्ष और संस्थापक जेन पोयंटर इस तरह की अंतरिक्ष की खोज के आश्चर्य और संभावनाओं के बारे में अधिक उत्साहित लगते हैं, जो पुरस्कार राशि से अधिक है।